रमन सर, मैं भावना कौशिक और स्वागत है तारो न्यूज ओररी में। आज आप पूछा हाँ झुंझुनू जिले के गुड़ा गोरजी तहसील की तमरा की डाणी में जड़े 6 जुलाई ने प्रशासन आके अतिक्रमण हटाए है, जो कटान को रास्ता है वो दिए है, तो दोनों पक्ष से आप बात कर सो जान से कि के पूरा मामला है। वीडियो ना लास्ट तक देखना और शेयर जरूर कर देना। अब बात ये हो रही है गदला की हो रही है, गदला जान कुंडी मान निकल बा कुंडी पर गदलो को मारो जो बंद कर दियो वहाँ फोन कर रहे हो आ करियो हमारी डानी कार ओ जाटा तो होना पहले इको हो जना यो गलो गेर राखो और जो आपको बाउन लागो ना मारी में कटगो मारी जमीन में कटगो जना अब ये खेम में जाको गलो जाको नहीं था ये कौन होगी देर नाला है ये पिरवारी का है मारो पिरवार का है चंडमेर को हाँ पिरवार का है आना निकल बा कौन जा ऐसे तो ही चार भाई और ये पूरी डानी घेल हो रही है हमारे जो को निकल बा कौन जी कठिन है ये बुद्धों मारे सी दस्ता कर रखी है बुरी गाना जन आज रहा मेरे हमको भाई वो खोलगा से आएगा अब बताओ के जिगत करा अब के उपाय करांगा के करो तारे ही सारा है भाई फिर और तो के बताऊ मैं तो गलो जो पर मान या कहा मैं रात ने बीमार उझू और उझू तो टाबर कठिन रह के पास है ते सांचे हो देखो इन्हें का काम कर रखे हैं यहाँ टाबरा ने बहुत परेशान कर रखे हैं यहाँ जाए कना तो ठिन को निकलवा दी कना ठिन को निकलवा दी ये एक ही गिल है ना रोड पर जो थारा लगा हाँ जो एक ही हाँ बाकी भी लाग रही है वो बुठे ता नहीं लाग रही है आपकी जमीन है खुद की जमीन है तो बजे जो मैं तुम्हारी जमीन में काट दियो देखा हो मारी जमीन कमाऊ काट दियो तो अब आगे आप आपकी मिले जो हाँ अब नहीं यार के नाम आधी झूठ है इससे ज्यादा रास्ता फिर ठीक होने रास्ता ये तो ये पुराना रास्ता है जो मार मंदिर तक इस रास्ता से मार मंदिर में आने जाने की दिक्कत हो रही है और मारा मतलब एक ही रास्ता आ रहा है डाणी में और कई घर का रास्ता कोने जान बुझ के मतलब रास्ता बंद करो जा रहे हैं कि खाया जा रहे हैं कि मंदिर पताड़ो लगवाऊंगा आठी एक ने भी कोने आप बात कौन कह रहे हैं मतलब मारा खुद का मेरा मतलब खुद का देवर जेठ कह रहे हैं और परिवार का कह रहे हैं कि आठी का मतलब मंदिर बंद करवाया जाओ और एक मतलब खान रास्ता कौन दियो जा तो भी पहले भी कोई जो है की काल अतिक्रमण हटाने जो प्रशासन पूछो भी पहले भी कोई बहस कोई लड़ाई वगैरह थारे से करी लड़ाई झगड़ो कौन करो बैठ के बान कहो गयो की रास्ता को सुलटवारो कर दो लेकिन मान्या को नहीं ऐ खेल की मान तो खान रस्तो देनो को नहीं मार तो सबका रस्तो जमीन पर लागा कठे की निकलांगा कठे की यो सवाल ते वन देख रहे हैं की मार थारो कोई लेन देन को नहीं मतलब माने मारा कह रहे हैं कि मारा ससुर का मैं 6 भाई हैं कह रहे हैं कि थारोन का कोई रास्ता में कोई लेन देन को नहीं थाने को निकलवा दे रहा और ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि मंदिर का माई है ना SC ST ने लिया मतलब दलित वर्ग ने लिया के और मतलब कि यो थारा पर गलत आरोप लगाया जाएगा कि तेरा पति के ऊपर कि मतलब कि मंदिर के ऊपर है ना कि लड़कियां का सगा छेड़खानी करा है और मतलब लेडीज मंदिर की देख रेख थारा पति करेंगे हाँ मैं दोनों ही मतलब मंदिर में हमारे पास में ही घर है सब मतलब पूरी फैमिली मंदिर का नहीं रहे हमारी अच्छा तो घनौना आरोप की बात करी है कि वह आरोप लगाऊं गिनाड़ मतलब गिरोनो आरोप लगाया जागो जैसा तेरा पति ना मतलब जेल में दिवा के छिड़वाऊंगा मारी खुद की जेठाने और पड़ोसी बोल रहे हैं और मारे जेठ साहब पास में ही शराब बेचे हैं और पी पी के मतलब आस पास पूरा माहौल खराब कर रखा है तो मतलब आए दिन भी थारे साथ हैं कि बदतमीजी डेली बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ में और कदे क्या कसागा कदे क्या कसागा मतलब कुछ नहीं कर रहे मंदिर पर आदमी आ रहे हैं ना बांका साथ भी मतलब मतलब आन को दे रहा रास्ता में खड़ा हो जाए तो अब जहाँ काल प्रशासन हो वो अतिक्रमण हटा के गए तो भी के बाद भी कोई हरकत बजे की है करी है कि कुछ कहे प्रशासन खोल के गए तो दोबारा से रास्ता बंद कर दिया गया है प्रशासन के खोलने के बावजूद दोबारा तार खींच दिया हाँ कि थे राठी का नहीं जाओगा थे बंद रोकन की कोशिश कौन करेगी प्रशासन प्रशासन खोल के गए जहाँ कह रहे हैं की आठी का थारा कोई रास्ता नहीं है मारो है बस थोड़ी देर पहले कोई 60 और 2 को जिक्र हो रहे हो के बात है के 60 के 2 के बोल रहे हैं 60 आदमी ही बाकी हर मारे ही 4 भाई है चार भाई चार पांच ही यहाँ क्यों है ना फिर पूरा परिवार है ने मन मार बा खतरा हुआ गए लोग कौन दे रहा मेरे छोरे हम ब्याह करियो जना मन आबा कौन दिया बड़े ने बिंदरो बान का काट बले बिंदरो काट बले का तो डीजे ने भी कौन जाबा दिया लाठी ले ले बाजिया मार बा ने मार बा कायदो है कि ब्याह का मायने उठो ब्याह में टाबरा ने कहे कि वो उल्टो रोके है रोक कौन सके नहीं नहीं तू मन गए लो चाहे मन गए और निशरबा कौन दी टाबर जान तो टाबरा गए लो है कभी ठीक रहा कौन दिया नरम कट जावा
एक माँ ही रंगे मकाना अब यह बूढ़ी है तेरे को बीमार से मारो जाए तो कठे ले जाओ मीन कठे मर भी जाए कोई बात हो जाए कट ले जाओ नहीं मिश्रपाती कठे ले जाओ बताओ तेरे को मैं हो जाऊँ बीमार तो मन कठे ले जाए मैं मर भी सकू हूँ। ये खेत की जमाबंदी है ये आपको दिखा रहा हूँ इनका किसी का भी नाम नहीं है ये जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना इनका किसी का भी नाम नहीं है अतिक्रमण जानबूझ के पहले से अनपत्तो हो कि अठी का रस्तो निकलेगो तो जबरदस्ती ईंट लाके और की रास्ता रोकने के लिए ये इसमें देखो रास्ता की राड है रास्ते दे रहा आपकी जमीन रास्ते के ऊपर लाग रही है और माना उनको तो यह जमीन आकी है या फिर थारी भी है मारी भी है अच्छा सामलित है यो थारो पूरा परिवार है हाँ। तो इस जमीन पर इस परिवार को आरोप है कि स्टे आईडी जमीन पर हाँ, जमीन पर आईडी स्टे जमीन हाँ, पर है रास्ते पर कोनी रास्ते पर स्टे नहीं है तो कितने दिन से है ये बात पर जो की आरार चल रही है यो विवाद तो मतलब खाता विभाजन को कर रखे 6-7 साल हो गई पहले भी जो परिवार को एक आरोप और है कि स्टे आने के बावजूद राजनीतिक जोर से है जो रास्ते खुलवाए गए न तो किसी मंत्री का दबाव है न किसी चौधरी का दबाव है जैसे शुभकर्ण चौधरी है उसका भी न तो किसी अधिकारी के ऊपर प्रेशर है हम तो हमारे मतलब कानून के तहत ही मतलब ये कार्रवाई करवाई है कानून प्रक्रिया के तहत खुला रास्ता ये रास्ता का मैटर कई दिनों से चलता आ रहा है ये कि अभी है ना 28 तारीख को भी मुकदमा दर्ज हुआ है लड़ाई पड़ती हुई है छेड़ाछेड़ी को पर मेरे पर इल्जाम भी लगाया है मुकदमा दर्ज भी करवाया गया है 3-4 बार झूठा मुकदमा लगवा दिया मेरे पर उन पर पैसा दे के झूठा भी साफ से सेंट लो फिर लड़ाई वगैरह ये रोज की कर रहे हैं ये जो आबादी में जो डाणी है और आबादी की जमीन छोड़ी हुई है इन आबादी ने अभी जबरदस्ती और ये सिर में शमशान ही पहले का ये रास्ता के ऊपर ही 200 साल का हिंकत कहीं दादा गुजरा का पहली का रही उनने भी मतलब थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है उनने भी वादे नहीं कम से कम पाव बीघा जमीन ही और ये सरकारी जो टंकी है ये और गेरवल का काम भी पहले जो तमरा डाणी से भी हिसाब से उड़ो है बिना भी उठा के पर गेर दिया 10-15 साल पहले की बात है जो हनुमान जी सरपंच है ना जी टाइम पर बिना भी उठा के ये लोग गेर दिया ये समस्या चल रही है कई दिनों से चल रही है एक भाई जो पहले से शराब बेच रहे कई दिनों से लड़ाई वगैरह करते रहे घर पर आके हमला कर रहे हैं अभी मैंने मुकदमा दर्ज कराया प्रशासन है ना जाता ही है ना वापस है ना जो लेडीज पीछे हमारी बाइक है आगे आगे वापस कुछ छेड़ने की कोशिश करी कैमरा फुटेज वगैरह ये लाग रही अभी ये बोल रही है हमें कोई एसी में एसटी में ऐसा फंसाएंगे ऐसे आरोप लगाएंगे बार बार ऐसी धमकी दे रहे हैं मंदिर की देखरेख थे करा करो मंदिर की देखरेख थे करो शराब पी के गाड़े काटे रात को 12-12 बजे 1-2 बजे सुबह को दे रहे ये पड़ोसी भी है ना इनको कई बार बचाए इनका बच्चा है ना अभी तो मेरे पास में फुटेज वगैरह ये है 2 साल तक मैं रखे हूँ लड़ाई वगैरह करके वापस में ये कुआ है तो इन्हें बुरबा खून दी कोई भी कदमी में पड़ सके मतलब शराब पी पी के कई बार है ना मैं बचाए और इलाज भी मैं खुद कराए मेरे पिसा से पैर टूट को मेरे के फुटेज वगैरह ये पूरी के बाद में भी दादागिरी कर रहे हैं वो परिवार को रास्ता को विवाद है और यो विवाद काफी लंबा समय से चल रहे है 5-6 साल से मुकदमा चल रहे है अब एक अंदर जो यहाँ देखो जाए एक तरफ से तो एक जमीनी विवाद है लेकिन ये जो सबसे बता रहे हैं ताऊ जी कि ये प्रशासन ने बोलिया कि भाई मार जमीन वो जान के लिए रास्ते को नहीं तो यह बात बिल्कुल जायज बात है कि ये जो सामने परिवार का 10 बाया है तो बे भाई जो है बे पीसनो लिया हुआ है कुछ भी लिया हुआ है तो बाकी काफी ज्यादा दिक्कत हो नए रास्ते होने के कारण वो भी बाकी परिवार है आपने तो दो बाया वो ब्याह हो तो बाकी शादी में भी रुकावट पैदा करी जो विपक्ष पार्टी है वे पैदा करी बे सही है या गलत है ये चीज को फैसला एक अलग बात है लेकिन आज आप अठा तो आप जायज बात करा तो आकर यानी जाने के लिए बिल्कुल भी जगह को नहीं अगर बूढ़ा बढ़ेरा लोग है बे यदि रात में बीमार हो जाए तो गाड़ी आने के लिए जगह को नहीं आकर यदि कोई डिलीवरी केस हो जाए तो भी कोई साधन आने के लिए जगह को नहीं तो प्रशासन ने यह बात सोचनी चाहिए कि प्रशासन आज इतना मजबूत तो है कि 10-20 आदमी के सामने वो कोई घबरा थोड़ जावे आज प्रशासन आयो है यदि तो बिन खुलवा के जानो चाहे हो और यदि वापिस से यदि भी कोई दिक्कत कर रहा है तो प्रशासन ने ये चीज ने सोचनी चाहिए क्योंकि ये गंभीर समस्या है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही चीज कहना चाहूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि है जो भी प्रशासन का लोग है वे ये समस्या जल्दी से जल्दी निपटावे क्योंकि यह समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि एक अंदर कोई बड़ो नुकसान हो सके क्योंकि ये रोज की है कि रोज लोग लड़े आपस में और एक अंदर भी कोई बड़ो नुकसान हो जाओगे तो भी जिम्मेदार और कौन होगा
तो ये चीज ना प्रशासन से यह कहनी है, आपको चैनल यह बात पहुंचाओ प्रशासन तक कि इस समस्या आप बैठा के अच्छे से सुलझाओ, बी पार्टिंग भी बुलाओ और ई पार्टिंग भी बुलाओ, और आपस में जो भी आपको विवाद है बिन बातचीत करके आपस में सुलझाओ। यदि जमीन को कोई विवाद है तो आपस में थोड़ी बहुत जो भी आगे बांटनी है अठिन बटिन करनी बिन कर लो, और रस्तों जो है वो जल्दी से जल्दी खुलवाओ क्योंकि यह गंभीर समस्या है। मैं तो ना तो ई पार्टी के पक्ष में आयो ना बी पार्टी के पक्ष में आयो, मैं सारी बात सुनी है और बी सुनना के बाद मैं ई पार्टी के पक्ष में आयो कि या जो है आज साथ में गलत हो रही है और ये रस्तों खुलना चाहिए। और एक गांव जो है ना बी को यदि आप अच्छाई और बुराई देखा तो यही देखा, यदि गांव का रास्ता बढ़िया हुआ है, रास्ता सबके सामने खुले और कोई भी परेशान नहीं हो तो एक सुखद गांव है, और यही है कि यदि कोई दिक्कत कोई गांव में हो रही है तो बाद एक दुखद समस्या है, और ये चीज ना प्रशासन ने देखना चाहिए। और आपको चैनल बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की समस्या सुनना आया, अठ जो भी गलत है जो भी सही है अन प्रशासन ने बैठा के एक समस्या को निवारण करना चाहिए। बाकी प्रशासन से यही मांग है, ये एप्लीकेशन लगा दी है बाकायदा, मैं भी मेरी तरफ से कह रहा हूँ कि आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी समस्या निपटा दो करें। धन्यवाद। परसों ये बात हुई कि प्रशासन आकर हम अंदर सुते आ कमरा में जो हमारे हाथ पकड़ पकड़ बाहर निकाल दिया माने, और कोई नोटिस वगैरह कुछ भी कोनी आए, और सुनिए मैं हरी फसल में नुकसान कोनी करे, लेकिन प्रशासन आकर मैं बुझे आप उन पटवारी जी ने तो मैं मकान बनान लगे ना हमारी झोपड़ी पुरानी पहले तो मैं मकान बनान लगे मैं बुझा जना बोले कि ना स्टे आई पर कौन बने मकान तो मार्कन साइन वगैरह करवा लेगा झूठे झूठ बोल के। फिर मैं 5-6 दिन बाद में गया तहसीलदार सर के पास, वे बोले माने मकान बना लो। बीस टाइम मेरी भी मांग कौन कौन से होते मैं गई एक ली। अच्छा हाँ मन पटवारी जी ने पूछ कर फिर गई, वो बोला आपको काम हो जाओ वो थे पटवारी जी कन चला जाओ, तो वे बोले कि ना मैं थे मकान बना ले। फिर मैं ही सोचा कि बेरो ये बना दे कि कौन बना दे क्योंकि पटवारी जी साइन करवा के लेगा अपना कन, तो फिर मैं कौन करो। फिर काल प्रशासन ने भेज कर जबरदस्ती गलो ले लियो खेती को, और खेती को सब कहीं को नुकसान हो गो, और बठे हमारी दादी सासू को शमशान करेड़ो बस एक कोई तो बोल रहे वो शमशान है, शमशान नहीं है वो। अच्छा हाँ वो तो तारी भूमि पर हमारी दादी सासू कर रहे हो, और वो बोल रहा है शमशान है, कुछ शमशान नहीं, इतनी सी थोड़ी सी जमीन है हमारी वो। आगे धान कुछ काल कहे भी की पुलिस ने बोला कुछ भी कौन बोला, बस हाथ बाहर काट दिया बस कुछ ही कौन बोला माने वो संवाद सब कुछ। पहले कोई नोटिस वगैरह कोई भी तरीके कुछ भी कौन आयो, नोटिस वगैरह कुछ ही कौन आयो, ना सूचना करी कुछ ही कौन आयो, धोखो करे हमारे फोन कर रहे हो धोखो धोखो कर रहे बाबू सिंह रेव सिंह रतन सिंह भगत सिंह तारीख पुरानी रंजिश थोड़ी चल रही है नहीं, ना कुछ नहीं, ना कुछ नहीं। के लिए कर रहे हैं अब के लिए कर रहे हैं मान कौन बेरो पटरी बन के गेल्ले खातर कर रहे हैं, गेल्लो आपको जमीन में लाग रहे तो वो गेल्लो लो, जोरा मर्दी गरीब आदमी गेल्लो क्यों ले रहे, घर फोड़ दिया सब कुछ नुकसान कर दिया, नुकसान को गेल्लो होना चाहिए इको करना चाहिए। छोटा छोटा टाबर है दिखा था तो बेखट जागा, अब अन सासू ससुरा न्यारा कर दिया तो ये क्या बढ़ेगा पटवारा ने बाकी छाउस रियाली बा बोली बड़ी फसल में कुछ भी कौन कर सका थे, आराम बोली आराम रो थे बेफिक्र रो तो बाजू उठ क्यों बोली मानिए क्या दर बजे आओगो आओगे तुम्हारी कुछ कुमारू चीज सामान पड़े वो उठावा बंचावान में कुछ न कुछ तो करा हारे बाधो को क्यों करो, बने पहले आगे भी सूचना देनी चाहिए सरपंच ने देनी चाहिए, न वो सरपंच ने सूचना दी न माने दी, 2 बजे आप बिना बुझे दरांदरे तो लाग गया सागे पुलिस आप भी आगे, अरे एक और बे तो वीडियो आप बात में जावा तो वीडियो आवा तो वीडियो वीडियो होगो के होगो, अरे कौन करा रहे हमारे गजेंद्र और बाबू सिंह और इंद्र सिंह रतन सिंह साथ ये है रंग साथ है देखो सन ने बेरो कौन करा रहे नेता मंत्री का पूरा हाथ है, सन दीप मंत्री का पूरा हाथ है, मंत्री राजेंद्र को हाँ तो मंत्री बिना कुछ कर सकाएंगे, मंत्री करा जनाज मारे में क्यों कौन कर मार रहे सागर क्यों कौन कर रहा, मंत्री को भी साथ दे मंत्री माने क्यों साथ नहीं दे रहे हो, थे कह आएगी मंत्री जी ने बताया मंत्री जी, मंत्री जी मानते हैं बोले मानधार वोट लांगे जरूरी को ना हाँ मंत्री जी खुद कही माने वोट लांगे जरूरी को, तो वोट लांगे अब जरूरी क्यों कौन तो मारे साथ होने वोट लांगे पहले तो वोट लिया ने अभी जरूरी को नहीं वोट लांगे पहले जरूरी है वोट लांगे जब बात क्यों कह रहे हैं मंत्री जी, और मंत्री जी ने खुद ने दिख रहे मंत्री जी ने 4-5 बार मंत्री जी मैं सब गई अब खड़िया नहीं सब गई मंत्री जी ने पूरी पूरी आदमी लुगाई मारा आदमी कम से कम 10 बार मंत्री कन जाया, गरीब आदमी कितनी बार जागो गाड़ी किराए कर करके बत्ती दूर मारकन थोड़ी बड़ी तरबियत जी मैं जा बो करा ये कन तो गाड़ी पकड़ा तला मंत्री जी 7 दिन तो गुजरा तो ले जा रुड़ जी मैं कई बार जावा तो मंत्री जी गए हाँ कर देंगे घर बैठे हाँ घर बैठा कर दें तो मंत्री जी एक दिन भी एक आदमी भेज दिन मारे खस आज मारे साथ मंत्री जी आदमी ने भेजियो हमारे साथ तो दुनिया जान जा मंत्री जी करियो है मंत्री जी कौन कर रहे हो मंत्री जी ने करना चाहिए नहीं बात है तो मंत्री जी कुछ ही कौन कर रहे हो ताई तो आगे को बेरोगन मंत्री जी जाने पर स्टे हो तो ते प्रशासन से मांग क्यों मांग बोले टूट गई मान तो झूठ बोले आ बोले तोड़ दी बोले कोई स्टे को नहीं बोलियो
पटवारी ने बोली स्टेट थोड़ी मन कागज लिया मैं अनपढ़ माने के बरो कागजम की है कि नै मन थोड़ी मन तो कहते है कि टूट गयो तो टूट गयो साफ तो साफ तो है ना कहो मको तू भल्ला मई थी और कहीं झूठ कौन बोला मु भल्ला बरो आगे थे अब बात कह रहे थे माने क्यों झूठ बोला मन धोखो क्यों दियो माने बता दो पटवारी ने हंस गए और ताली बाजार आगे निकल गई और बोलना ताली बाजार आगे निकल गया सर हंसने के मतलब पटवारी को हंसर बाग आगे क्यों निकले माने कुछ जवाब तो देर जवा रहे भाई मेरी गलती है थारी गलती है कुछ तो कहना पटवारी ने कुछ कौन कहो ताली बाजार गए हंसर आगे निकल गई रतन सिंह आगे निकल गई रतन सिंह बोले चाल के बकवास सुना है बकवास कोई की मत सुने लेकिन गरीब आदमी की तो सुने ने एक भी रास्ता में रस्तों जता जमीन एक रास्ता जती जमीन है तो आ मकान बना रही मारी नहीं सुना चलो कोई बात को नहीं लेकिन एक एक इन तो देखा ने कि भैया गरीब है दो बच्चा कट जाएगी और बाकी खुद का घरा में रस्तो खूब लाग रहे है चारों में रस्ता ही रस्ता है लेकिन तो ये सोचिए गरीब है कुछ कौन कर सका है और अच्छा ये दूसरा घर भाई है अभी का दूसरा दूसरा घर भाई कह रहा कोई नहीं दूसरा घर भाई है इन बड़े काट दी नहीं अब ये कठरे गया मतलब मकान बाद भाई एक जमीन के लिए मैं खड़े वहां को नहीं मारन तो दया आने मंत्री जी तो कोने अपन मैं तो दया कराना मान तो था नहीं की स्थिति को है मंत्री जी ने सो गया मंत्री जान नहीं रखी है बाजार मंत्री जी कहां था नहीं ठेइयां और ठेइयां और थे अपने को मंत्री मन वोट पड़ गई है आधी आधी रात आनी सड़कों पर भूखा पड़ा रही अबा की वोट खातर भाई ये मालूम एक टाइम रोटी खाए एक टाइम कौन खाया कि भाई बे जीतता है लेकिन बे आज गरीब आदमी का नहीं कौन देख रहा था के साथ दिंगा भैया बताओ हाँ मैं कह रहा भाई मैं थार वोटा नहीं दिया मैं वोटा खातर भाई रात दिन भाई वोट मंत्री जी ने दियो वोट मंत्री जी ने आप राजेंद्र गुड्डो आप राजेंद्र गुड्डो बैठा ले लिया मंत्री जी ने सिर पर ही बैठा लिया मारे मंत्री जी देख रहा पगाता ही कौन दे रही हो ये देख भी कौन आप बोल रही मंत्री जी कौन देखी क्या मतलब भाई अपना पग उठा के हमारा कहना खोली यार मंत्री मानो पर जो कोने क्या फेस लवे आनी हमारी गलती तो माने डाक्टर कह रहे मंत्री आश्वासित करो कि वा रही तो कितना को जो को टाइम में पहुंचन का आश्वासन था दिल मान तो किमी कोने मैं अभी 2 दिन को दियो है दो दिन को दियो है और ये रास्ते के नहीं लेकर भी कोई बातचीत हर से करी के अपने थर बा रास्ते खड़ी निकल के मेल नटरिया थोड़ी निकलो बड़े निकलो आप की धरती रास्ते में नहीं लाग रही है तो रास्ता मेल गया राज्य और देशा मन सन्न बेर भाई आदमी खटी की निकला वो बड़े जब जाएंगे नहीं रास्ते जमीन नहीं लाग रही रोड पर भी बाबा जमीन लाग रही है जना रोड पर रास्ता मारो की काम है जब जमीन का विवाद है कितना टाइम से चल रही है यो जमीन को विवाद आज 5 साल से चल रही है तो जमीन को विवाद चाल रही हो विवाद चाल तो अरे 5 साल से अभी कुछ परसों को टाइम के दिन रात को दिन दोपहर में 2:40 के ऊपर हमारे को सूचना मिली कि प्रशासन आ रहा तहसीलदार महोदय हमारे पास आया हमारे को नमस्कार किया खड़े रहे हम बात करे प्रशासन आ गए अभी अवैध कब्जा करे सब जगह नहीं हमारा छोटे भाई की जगह है एक कच्चा मकान बनाया सो था गरीब परिस्थिति से गुजर रहा हूं परिवार तो तहसीलदार महोदय प्रशासन महोदय सभी ने आके हम उसको स्टे का परमाना दिखाया तो पटवारी महोदय ने एक जवाब दिया कि इस पे कोई स्टे नहीं अच्छा कोई स्टे नहीं इस पे तो हमारे को प्रशासन पकड़ के रतन सिंह को महिपाल सिंह को हनुमान सिंह भाई कुलदीप सब लोग आए इन्हों हमारे को साइड में कर लिए प्रशासन आके जेसीपी लगा करके इसका कच्चा मकान को तोड़ फोड़ कर दिया अंदर उसका फैमिली थी बच्चे थे दोनों बच्चे फैमिली सोए थी तो प्रशासन पकड़ पकड़ के बच्चों को बाहर फेंक दिया लेडीज साथ में थी पुलिस कर्मचारी उन्होंने लेडीज को पकड़ के इधर बाहर निकाल दिए अभी हम भाग कर जा रहे हैं तो प्रशासन हमारे को बोल रहे हैं बाबू गाड़ी में बिठा देंगे तहसीलदार मोदी बोल रहा है उसको अंदर जब्त कर लो सब लोगों को ये ज्यादा होशियारी चल रही है इनकी साहब गरीब का घर गुजर रहा कम से कम 2 घंटे पहले तो हमारे को परमिशन दे सकते आप कि हमारा हम सूचित हो सकते थे नहीं नहीं मेरे को ऊपर से आदेश है ऊपर कौन सा आदेश है हमारी फसल को नष्ट कर दिया फसल को नष्ट कर दिया दूसरा बात ये कि बच्चा गरीब है नहीं है जेसीबी चलाने का नहीं है हरी फसल को पूरी को नष्ट कर दिया 2 पेड़ों को नष्ट कर दिया एक पशुओं के लिए 500 वर्ष पुराना हुआ था राजा महाराजाओं के राज में बने सो उसके अंदर एक खेल बनाया सो था हमारा सहमति से उसको भी परसों के दिन जेसीबी लगा के तोड़ दिया आधा खेल को अंदर आधा कुएं के अंदर डाल दिया वो थारो है या फिर वो हमारा है सबका सहमत का सहमति तो पहले को कोई थारो विवाद पहले से भी चल रहे कि कोई लड़ाई ही किया आकर इनके बीच में सारी जमीन ने लेके जमीन को लेके या बाकी विवाद कुछ भी नहीं था तो देखे कि दो परिवार ही हैं जो आपसी परिवार है जिनको जमीन को पहले से कोई विवाद चल रहे हो और विवाद के चलते मकान के लिए मना करने के बावजूद जो कटान को रास्ता दे दिए गए चलिए न्यूज़ 12 के साथ आए मना रहो तारो प्यार न्यूज़ 12 के साथ आए मना रखो धन्यवाद।